Welcome to my all trainees and particular person who watched me and get some important knowledge from my channel ITI Vision. Now I begin to describe about external defects of welding. External defects of welding का मतलब है कि welding करते हैं तो बाहरी दोष आ जाता है वेल्डिंग करते वक्त, कभी दिशा से भटक जाने पर, कभी वोल्टेज ज़्यादा रहने पर, कभी वोल्टेज कम रहने पर, कभी इलेक्ट्रोड का गलत इस्तेमाल हो जाने पर, इस प्रकार गलतियां हो ही जाती है। वैसे स्थिति में क्या क्या गलतियां हो सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है वेल्डिंग दोष। वेल्डिंग में किसी क्रिया को सुचारू रूप से अगर नहीं कर पाए हैं, वैसे स्थिति में कुछ डिफेक्ट जो आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स। तो हम देख रहे हैं कि नंबर वन में देख रहे हैं कि अंडरकट है। अंडरकट जब हम वेल्डिंग करते हैं तो होता है कि मेटल का दोनों किनारा को मिल करके गड्ढा स्वरूप बना देता है, तो ऐसे स्थिति में इसे हम अंडर कट कहते हैं। अंडर का मतलब नीचे होता है और कट का मतलब कट जाना होता है, तो मेटल का क्या होता है, मेल्ट होकर कट जाता है दोनों तरफ, अंडर कट हो गया। उसके बाद क्रैक्स के बारे में देखें कि जब हम वेल्डिंग बीड बनाते हैं तो मानो कि वेल्डिंग बीड है ये, तो वेल्डिंग बीड में जब ठंडा होता है बीड चिपिंग करने के बाद, क्या पता चलता है कि उसमें क्रैक्स आ गया है, बीड में क्या है, क्रैक्स आ गया है। ऐसे स्थिति में क्या है कि ये वेल्डिंग दोष कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मेटल ठंडा होने के बाद सिकुड़ जाने के कारण ऐसा होता है कि क्रैक्स दिख जाता है। अगला थ्री नंबर में कैविटीज। कैविटी का मतलब है कि हम प्रचार में देखते हैं कि दांत में कैविटी होता है, यानी कि दांत में खोदड़ हो जाना या गड्ढा हो जाना, सड़ जाना, वैसे स्थिति में कैविटी वेल्डिंग में भी देखने को मिलता है। कि होता क्या है कि वेल्डिंग बीड बनाते हैं तो उसमें हवा फंस जाता है, यानी कि बुलबुला की तरह दबकर रह जाता है। ऐसे स्थिति में उसका डबल रन हम चलाते नहीं हैं, जब हम चिपिंग करते हैं तब पता चलता है कि जैसे ही चिपिंग करते हैं तो उस पर पपड़ी के आकार का रह जाता है, उसे चोट मारने के बाद क्या होता है, गड्ढा दिख जाता है, यानी कि ऊपर से भरा हुआ दिखता है लेकिन अंदर भरा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ स्लैग चढ़ा हुआ रहता है। ऐसे स्थिति में स्लैग को छुड़ाने के क्रम में वो गड्ढा बिल्कुल दिख जाता है, कैविटी कहलाएगा। ओवर पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है वेल्डिंग में। होता क्या है कि अगर वेल्डिंग का एक किनारा से, यहाँ से हम कर रहे हैं तो मेटल का जो थिकनेस है हमारा 10 mm है, ठीक है 8 mm है, जो भी है, तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मेटल तक आ गया तो अच्छा पेनिट्रेशन है, यानी कि डीप पेनिट्रेशन है। लेकिन ऐसा हो गया है इसमें कि वेल्डिंग भी जो है मेटल से भी बाहर आ गया। हम वेल्डिंग इधर से इस डायरेक्शन से किए हैं, वेल्डिंग का जो बीड है वो नीचे लटक रहा है, यानी कि पानी की तरह गिरना शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में ओवर पेनिट्रेशन कहलाएगा, यानी कि जरूरत से ज़्यादा बीड का बाहर चले आना ओवर पेनिट्रेशन कहलाएगा। 5 नंबर में हम देखते हैं कि कन्वेक्सिटी। आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो उसमें कन्वेक्स का मतलब होता है ऊपरी भाग उठा हुआ। तो कन्वेक्सिटी हम कहते हैं कि ये राउंड अगर होता, अगर ये भाग इस तरह राउंड शेप में होता, बिल्कुल कन्वेक्सिटी कन्वेक्स है ये, लेकिन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग दोष कहते हैं। राउंड शेप में होता वेल्डिंग बीड का जो कन्वेक्स पन है, यानी कि उत्तलता जो देखने को मिलता है वो राउंड शेप में, हल्का राउंड शेप में दिखता है, लेकिन यहाँ
कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ऐसे में इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्सिटी दोष कहेंगे। उसके बाद अगला में है कनकेविटी। कनकेविटी का मतलब है कि जब भी हम बिल्डिंग बिल्ड बनाते हैं तो हम दिखा रहे हैं कि ऊपर से क्या होता है, हाफ राउंड होता है, सेमी सर्कल होता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि राउंड नहीं होके, इस तरह राउंड नहीं होके, बीच में क्या होता है, गड्ढा इस तरह बन जाता है, देख रहे हैं कि गड्ढा बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, कनकेविटी दोष कहेंगे। उसके बाद सेवन नंबर को हम देखते हैं, बैड अलाइनमेंट। तो कहने का मतलब है कि मेटल का सही मिलान नहीं होना। एक मेटल बहुत आगे है, देख रहे हैं कि इतना करीब 10 mm के बराबर है, जो पीछे चला गया है दूसरा मेटल। ऐसे स्थिति में बेल्ट अगर हो गया है, मान लो वेल्डिंग हम कर दिए, वेल्डिंग बिट बन गया या ज्वाइंट कर दिए, ऐसे स्थिति में ये बैड अलाइनमेंट कहलाएगा, क्योंकि एक क्या है, अप है तो दूसरा डाउन है, एक आगे है तो दूसरा मेटल पीछे है, ऐसे में बैड अलाइनमेंट कहेंगे। एक नंबर हम देखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक पर एक परत चढ़ चढ़ जाना। जैसे वेल्डिंग की बीट हमारा राउंड शेप में यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बीट से भी, बीट का जो एरिया होना चाहिए उससे भी ज़्यादा फैल गया, यानी कि पसर गया दोनों तरफ। ऐसे स्थिति में ओवरलैपिंग कहलाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा बीट राउंड शेप में होना चाहिए, लेकिन अगर और भी फैल गया दोनों किनारे तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग कहलाएगा, जो यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बिल्डिंग डिफेक्ट्स है, दोष है। उसके बाद क्या है, एस्पेक्ट्रिंग। एस्पेक्ट्रिंग यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब हम वेल्डिंग बीट बनाना शुरू करते हैं, एक रन चलाना शुरू करते हैं, वैसे स्थिति में या तो वोल्टेज ज्यादा था तब ऐसा हुआ, या तो इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड में मॉइस्चराइजर युक्त था, नमी था, इस कारण से क्या हुआ, एस्पेक्ट्रिंग ज्यादा होना शुरू हुआ, यानी कि मेटल का छिड़काव, जो पिघल रहा है मेटल हमारा, उसका छिड़काव होना शुरू हो गया। ऐसे स्थिति में जो स्पॉट देख रहे हैं, डॉट डॉट देख रहे हैं, स्पेक्ट्रिंग कहलाएगा ये। उसके बाद है क्या, क्रेटर। क्रेटर में क्या है कि जब हम वेल्डिंग मीट बनाते हैं, जॉइंट को वेल्ड करते हैं, तो बट जॉइंट में अभी है, ऐसे स्थिति में इधर से हम रन पूरा किए और अंतिम आने के बाद यहाँ पे गड्ढा पोखरी के जैसा बन जाता है, यानी कि तालाब की तरह गड्ढा बन जाता है, बाउल की तरह, सचे बाउल उस तरह क्या है कि गड्ढा स्वरूप बन जाता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। 11 नंबर में देखते हैं कि अंडर लोडेड बेल्ट। अंडर लोडेड बेल्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा उस पर लोड है, इस कारण से क्या होता है कि मेटल का छिड़काव, एस्पेक्ट्रिंग अलग हुआ, लेकिन क्या है कि बिल्कुल कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इस प्रकार क्या है, वेल्डिंग बीट हमारा सुंदर नहीं बन पाता है, जिससे वेल्ड हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे स्थिति में वोल्टेज को कम करना चाहिए, लोड को कम करना चाहिए। श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना मेटल का। देख रहे हैं कि मेटल सही अवस्था में नहीं रह गया है वेल्डिंग करने के बाद, यानी कि हम वेल्डिंग किए और ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि सिकुड़ गया, जैसे लगता है कि आगे और पीछे इस तरह प्लास्टिक का रूप और आकार ले लेता है। ऐसे स्थिति में यह श्रिंकेज दोष है, यानी कि मेटल ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस कारण से मेटल क्या हो गया, सिकुड़ गया है। 13 नंबर में देखते हैं मेटल एज। तो एज का मतलब किनारा होता है, और यहाँ क्या है, मेल्टेड एज है, तो मेल्ट हो जाना का मतलब पिघल जाना, एज का मतलब किनारा यहाँ पे क्या हुआ, मेल्ट होकर ढह गया, एक तरह से क्या होता है, दीवार जिस तरह गिरता है उस तरह क्या होता है कि नीचे दब गया, जो बिल्डिंग में एक सामान था वो नहीं रह के
दोनों किनारे पर देखा जा रहा है कि मेल्टेड एज है, यानी कि किनारा बिल्कुल क्या हो गया है, मेल्ट होकर जो शेप में रहना चाहिए तो बीट सुटेबल बीट बनना चाहिए वो नहीं बनकर क्या हो गया है, मेल्टेड एज हो गया है, यानी कि किनारे पे मेटल ढाकर गिर गया है। नेक्स्ट आते हैं 14 में वेल्ड डिके, यानी कि एक तरह से क्या होता है कि मेटल एक तरह से जलने जैसा, जिस तरह हम देखते हैं कि ईंटा जब ज़्यादा पक जाता है तो क्या होता है, जल जाता है और छेद छेद देखने को मिल जाता है, वैसे में यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्या है, छेद छेद जला हुआ धातु की तरह, जला हुआ मेटल की तरह दिख रहा है, ऐसे में इसे हम क्या कहते हैं, वेल्ड डिके। 15 नंबर में आते हैं फॉल्टी बीड। फॉल्टी बीड का मतलब, फॉल्ट का मतलब होता है गलतियां हो जाना, तो गलतियां कहाँ हुई है, तो पता चला कि मेटल हमारा बीड जो हमारा सीधा बनना चाहिए, स्ट्रेट बनना चाहिए, स्ट्रेट नहीं बन के क्या हुआ कि दिशा भटक गया है, हमारा इलेक्ट्रोड कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट ले रहा है, ऐसे स्थिति में वेल्ड हमारा क्या होता है कि स्ट्रेट नहीं बन पाता है, सीधा नहीं बन पाता है, जहाँ वेल्ड होना चाहिए वहाँ वेल्ड नहीं होकर बिल्कुल प्लेन पे क्या होता है, वेल्डिंग बीट बन जाता है। ऐसे स्थिति में हम ये कहेंगे कि डिफेक्ट ऑफ वेल्ड था, तो डिफेक्ट ऑफ वेल्ड आप लोग समझ गए हैं, हम आशा करते हैं कि लगभग हाँ समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।